करेंगे। अभी हम लोग स्टेप दो पर जाना चाह रहे हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ बातें कर देता हूँ ताकि उस पर भी आप काम शुरू कर सकें, फिर लौट कर हम लोग प्रश्न पर या ऑब्जर्वेशन पर आएंगे। स्टेप दो में जो हम लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि मेरे और शरीर के बीच क्या आदान प्रदान हो रहा है, क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा इंगित किया था कि जब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे शिविर में, तो ये बात हुई कि भाई सेल्फ और बॉडी के बीच का जो ट्रांजेक्शन है वो इंफॉर्मेशन का ट्रांजेक्शन है। शरीर में जो है शरीर को कोई सूचना दे रहा है, कोई संकेत दे रहा है जो कि एक सूचना है, और मैं ही जो है शरीर में होने वाली किसी संवेदना को पढ़ रहा है, वो भी एक सूचना है। तो इस तरह से मैं शरीर को कुछ दे रहा हूँ, मैं शरीर से कुछ ले रहा हूँ, ये आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन ये आदान प्रदान सिर्फ सूचना का हो रहा है, भौतिक रासायनिक वस्तु का नहीं हो रहा, सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, कोई भौतिक रासायनिक वस्तु का आदान प्रदान नहीं होता है। उसको मैंने एक एग्जाम्पल से बताया था, लेकिन मैं 1-2 मिनट में उसको हिंदी में बता देता हूँ कि हम शरीर से कहते हैं हमको मिठाई खाने का मन करता है, सेल्फ को मन करता है एक तरह का स्वाद लेने का, तो उस मिठाई जिसका हम स्वाद लेना चाह रहे हैं उसके संदर्भ में शरीर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उठो ना, मिठाई की दुकान तक चलो, पॉकेट से पैसा निकालो, पैसा दो, मिठाई लो, उसको मुंह में डालो। जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं जो है वैसा शरीर करता है। अब जब मिठाई हमारे जीभ के संपर्क में आई, वहां कुछ वेदना हुआ, कोई सेंसेशन हुआ, उसको मैं पढ़ता हूँ। उस संवेदना को पढ़ने के आधार पर अगर उसका स्वाद हमारे अपेक्षित स्वाद से अनुकूल है तो उससे मैं सुखी होता हूँ, अपेक्षित स्वाद से अलग है, विपरीत है, तो मैं दुखी होता हूँ। तो ये जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम शरीर को कुछ इंस्ट्रक्शन देने का, शरीर से कोई संवेदना को पढ़ने का, ये काम चल रहा है, इस बात को हमको देखना है जी। स्टेप दो में व्हाट इज इंट्रैक्शन बिटवीन मी एंड द बॉडी, मेरे और शरीर के बीच क्या आदान प्रदान हो रहा है उसको देखेंगे। तो सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, कोई भी भौतिक रासायनिक वस्तु का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। उसको और ध्यान से देखते हैं तो पता लगता है कि मैं शरीर को कुछ संकेत दे रहा हूँ, उठो, बैठो, चलो, खाओ, पियो, और जो मैं संकेत देता हूँ शरीर करता रहता है। दूसरा ये है कि शरीर में कुछ घटना घट रही है, शरीर में कोई संवेदना हो रही है, मैं उसको निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, पढ़ के उसका स्वाद लेता हूँ। इस तरह से हमारे और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, कोई मेटीरियल ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। ये जो स्वीट हमने अपने जीभ के संपर्क में लाया, खाया, ठीक है, तो उसका जो सूचना है स्वाद का वो हमको सेल्फ तक पहुंचा, बाकी तो शरीर के स्तर पर रह गया। साइलेंसर का वो फट गया है, नीचे नट निकल गया होगा, साइलेंसर का नट निकला है। दिलशाद जी आपका माइक ऑन हो गया है। तो मैं शरीर को सूचना दे रहा हूँ संकेत के रूप में, शरीर से कुछ करने के लिए कह रहा हूँ, चलने के लिए, फिरने के लिए, और शरीर में कोई संवेदना हो रही है तो उसको मैं निर्णय पूर्वक पढ़ रहा हूँ, है ना, कहीं गर्मी लग रही है, कहीं ठंडक लग रही है, कहीं भारीपन लग रहा है, वो सबको मैं पढ़ता हूँ। तो ये जो मिठाई खाया, उस मिठाई में जो संपर्क हुआ जीभ के साथ मिठाई का, उस समय एक स्वाद मिला, वो स्वाद को मैं पढ़ा, उसके आधार पर सुखी दुखी हुआ। लेकिन जहां तक मिठाई की बात है, वो तो एक बार गले से नीचे उतर गई तो शरीर के काम आती है, सेल्फ के कोई काम नहीं आती। ये जो भौतिक रासायनिक भाग था उसका मिठाई का, वो तो शरीर के ही काम आएगा, अगर पोषण करने वाला होगा तो शरीर को पुष्ट करेगा, अगर पोषण करने वाला नहीं होगा तो शरीर को परेशान करेगा। लेकिन मैं तक उसका कोई भौतिक रासायनिक भाग नहीं पहुंचा,
मैं तक तो सिर्फ सूचना पहुंची कि उसका स्वाद कैसा था। तो इस तरह से देखेंगे तो सेल्फ और बॉडी के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के रूप में हो रहा है, कोई भौतिक रासायनिक वस्तु का आदान प्रदान नहीं। इसको हम लोग को अब देखना है, अभी से लेकर कल सुबह तक इस बात को देखना है कि मेरे और शरीर के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, मैं शरीर को क्या दे रहा हूँ इंस्ट्रक्शन के रूप में, संकेत के रूप में, मैं शरीर से क्या वापस पढ़ रहा हूँ संवेदना के रूप में। तो इसको 5 मिनट अभ्यास करके देखिए, उसके बाद जो भी आपके ऑब्जर्वेशन हैं उसको हम लोग सुनेंगे, जो भी प्रश्न है उसको सुनेंगे, उसका रिस्पॉन्स। तो अगले 5 मिनट हम लोग 2 बातों को ऑब्जर्व करेंगे, एक तो ये कि मैं हूँ और शरीर है, मेरे होने का पता हमको अपनी कल्पना चिंता से लगता है, शरीर के होने का पता हमको सेंसेशन से लगता है, शरीर में होने वाली संवेदना से लगता है। ये स्टेप 1 पर काम चलेगा। स्टेप 2 पर काम ये चलेगा कि मेरे और शरीर के बीच क्या आदान प्रदान हो रहा है, इसको ठीक से बारीकी से देखेंगे तो पता लगेगा कि मैं शरीर को कोई संकेत देता हूँ, उठो बैठो चलो, और शरीर वैसा करता है। दूसरा ये कि शरीर में बहुत सारी संवेदना हो रही है, उसमें से किसी संवेदना को मैं पढ़ता हूँ, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तो मैं शरीर को कोई सूचना देता हूँ इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, और शरीर में होने वाली कोई संवेदना को पढ़ता हूँ। तो मेरे और शरीर के बीच इतना ही ट्रांजेक्शन, सूचनाओं के रूप में ट्रांजेक्शन हो रहा है। किस चीज का? एक तो मैं जो शरीर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसका ट्रांजेक्शन हो रहा है, और दूसरा शरीर से कोई संवेदना को मैं पढ़ रहा हूँ उसका ट्रांजेक्शन। तो इतनी बात को हमको अभी 5 मिनट में देखना है, अपने में ना दिख जाता है, फिर उसके संदर्भ में कोई ऑब्जर्वेशन होगा, कोई प्रश्न होगा तो हम लोग बात।